आज इस वीडियो में बात करेंगे कि शार्क के शरीर में हड्डियाँ क्यों नहीं होती है। अगर उनके शरीर में हड्डियाँ नहीं होती है तो उनका कंकाल कौन से चीज़ों से बना होता है। देखिए, शार्क मछली एक खास प्रकार के प्राणियों की प्रजाति में आती है जिसको क्वाड्रिपिड्स कहा जाता है। और जितने भी प्राणी इस प्रजाति के अंदर आते हैं उनके शरीर में हड्डियाँ नहीं होती है, तो उनका कंकाल एक खास चीज़ों से बना होता है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे नाक में भी कार्टिलेज होता है, कान में भी होता है, जो एक लचीली चीज़ होती है। देखिए, ये कार्टिलेज हड्डियों के मुकाबले काफ़ी हल्की होती है और इसकी डेंसिटी हड्डियों की तुलना में कम होती है, जिसकी वजह से ये शार्क मछली पानी के अंदर आसानी से फ्लोट हो पाती है, यानी कि तैर पाती है। साथ ही ये जो कार्टिलेज होता है इसका वजन तो कम होता है, इसके साथ ये फ्लेक्सिबल यानी लचीली भी होती है, जिसकी वजह से शार्क मछली पानी के अंदर काफ़ी तेज़ी से तैर सकती है, अपने शिकारों के ऊपर काफ़ी तेज़ी से हमला भी कर सकती है। साथ ही ये जो कार्टिलेज होता है वो हड्डी की तुलना में जल्दी ठीक होता है। अगर कभी कभार इस कार्टिलेज के ऊपर चोट भी आती है तो ये हड्डी की तुलना में जल्दी ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से शार्क मछली जल्दी ठीक हो जाती है। तो ओवरऑल आपको पता चला होगा कि शार्क मछली के अंदर हड्डियाँ नहीं होती है तो उनका कंकाल कौन सी चीज़ों से बना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सही नए नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।